दोस्तों आप सबका स्वागत है कमल्स फूड लैब में, जहां पर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज। दोस्तों ठंडियों की शुरुआत हो गई है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट सूप की रेसिपी। आज हम बनाएंगे लौकी का सूप। दोस्तों कई लोगों को लौकी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, लेकिन दोस्तों अगर आपने एक बार ये सूप बनाकर अपनी फैमिली को खिला दिया, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो लोग बार बार आपसे इस सूप को बनाने की डिमांड करेंगे। हम सब जानते हैं कि लौकी में बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं, तो चलिए इसका सूप बनाते हैं। यहाँ पर मैंने करीब 250 से 300 ग्राम लौकी लेकर उसे छील लिया है और उसे हम टुकड़ों में कट कर लेंगे। सूप बनाने के लिए जो लौकी आप सिलेक्ट करें, वो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बीज वाली ना हो, एकदम टेंडर वाली जो लौकी आती है वो लें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 कलियाँ लहसुन की, करीब 1 इंच अदरक को टुकड़ों में कट करके ऐड कर रही हूँ, एक छोटी प्याज हम ऐड कर देंगे और एक मुट्ठी में यहाँ पर धनिया ऐड कर रही हूँ। दोस्तों धनिया में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, और लौकी, धनिया और पुदीना तीनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है इस सूप का। थोड़े से पुदीने के पत्ते भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1 कप हम पानी डालकर कुकर को बंद करके 3 सीटी हाई फ्लेम पर ले लेंगे। कुकर हो चुका है, प्रेशर रिलीज होने के बाद मैंने इसे खोल लिया है। एकदम बढ़िया लौकी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसे आप चाहें तो ब्लेंडर से या मिक्सर से पीस सकते हैं। मैंने गरम गरम ही ब्लेंडर इसमें चला दिया था और ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको एक बार छान लेंगे, क्योंकि हमने इसमें धनिया, पुदीना, अदरक वगैरह डाला है तो उसके रेशे हो सकते हैं इसमें, तो सिर्फ रेशे निकालने के लिए मोटे होल वाली जो छन्नी होती है उसी से आपको इसे स्ट्रेन करना है, वरना इसका जो सारा फाइबर है अगर वो निकल जाएगा तो सूप का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये देखिए सिर्फ थोड़े से जो रेशे होते हैं वो ही निकले हैं इसमें, बाकी पूरा मैंने ले लिया है नीचे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी मैंने इस तरह की थोड़ी गाढ़ी रखी है। अगर आपको पतला सूप पसंद है तो आप यहाँ पर पानी और भी ऐड कर सकते हैं, आपके घर में जैसा कंसिस्टेंसी पसंद हो वैसा आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे बॉईल करने के लिए गैस पर रख दिया है और 1/2 चम्मच मैंने काला नमक डाल दिया है, 1/2 चम्मच डाल दिया है भुना हुआ जीरे का पाउडर और 1/2 चम्मच मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक ही हम सूप को कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे, वरना इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो लूज़ हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिना तेल, घी, बिना कॉर्नफ्लावर के भी हमारा जो सूप है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और ये एक उबाल आ गया है और मैंने गैस को कर दिया है बंद। अब इसे गर्मा गर्म मैं सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर 1 टीस्पून घी में थोड़ा सा जीरा डालकर तड़का भी लगा सकते हैं, वैसे भी ये सूप बहुत बढ़िया लगता है। तो दोस्तों दिखने में तो ये बहुत बढ़िया लग ही रहा है, साथ में ये बहुत ही गुणकारी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस एकदम स्वादिष्ट और गुणकारी सूप की रेसिपी को, और मेरे साथ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।